बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के दौरे पर उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा टूटने को लेकर माफी भी मांगी और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि शिवाजी उनके आराध्य हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों लिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। छत्रपति शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना है, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुखद घटना आहे, कोण दोषी आहे त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। स्मारक आपने मालवण में राजकोट के लिए भी बनाया, वो तो 8 महीने में धस हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है शिवाजी महाराज का, स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। हम उनको देवता समान पूजते हैं और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए उनसे माफी मांगी। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विरोधी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन और इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ लखनऊ, चेन्नई एग्मोर, नागरकोइल मदुरई बेंगलुरु छावनी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान संभव।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म, कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया दो टूक संदेश, कहा कि भारत निष्क्रिय नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत देगा कड़ी प्रतिक्रिया। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन, शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 691936 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम, 94 संदिग्धों को चिन्हित किया गया। शुक्रवार को यूपी के सभी 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, योगी सरकार की फुल प्रूफ प्लान से नकल मुक्त परीक्षा संभव हुई और योगी सरकार के कड़े रुख से सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने नकल से बनाई दूरी। जुमे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला, हेमंता सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जुमे के दिन मुस्लिम सदस्यों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने असम की हेमंता सरकार के फैसले का विरोध किया, कहा कि सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हेमंता बिस्वा शर्मा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग तेज, धर्मतला में आज बीजेपी प्रदर्शन का तीसरा दिन, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में डॉक्टर करेंगे प्रदर्शन, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स। तो चलिए 2 मिनट भारत के बाद अब आगे बढ़ेंगे और अगली अहम खबर वडोदरा से आपको बता दें, दरअसल इस वक्त गुजरात बाढ़ बारिश से जूझ रहा है, लेकिन वडोदरा से एक जिंदा दिल्ली की तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा के रहने वालों के जिंदा दिल्ली का एक उम्दा वीडियो सामने आया है। सोचिए घर में और घर के आसपास घुटनों तक पानी भरा हो, घर में लाइट ना हो और पीने के लिए तक पानी ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो, इसके बावजूद गरबा के ताल में नाश्ता ढूंढता अगर कोई नजर आ सकता है तो वो सिर्फ एक गुजराती ही हो सकता है। गुजरातियों और गुजरातियों का गरबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मौका कोई भी हो गरबा खेलना तो बनता है। नवरात्रि के मौके पर आपने गरबा खेलते हुए तो लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बार बाढ़ की विभीषिका में लोग गरबा खेलते हुए नजर आए। बाढ़ की गंभीर स्थिति से वडोदरा में हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी वडोदरा के लोग काफी जिंदादिल माने जाते हैं और ऐसी ही जिंदादिली का ये वायरल वीडियो है जिसमें घुटनों तक भरे पानी में भी गरबे का भरपूर मजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।